बस आ गई, बस आ गई, आदमी टूट गया। जिनकी बात है वो आ रहे हैं आई थिंक। बिल्कुल फ्रेश। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7 और अभी अभी गांव में धूप आई है। आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और आज हम जा रहे हैं घर वापिस मियाराबिक। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे, जो 9 बजे बस आती है उसमें जाएंगे। तो अभी मैं खाना खुना बना रही हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को। और आपको मैं दिखाती हूँ सामने का व्यू, क्योंकि अभी अभी जस्ट डूब आई है। ये देखिए जी, और यहाँ पे ना एक नया डॉगी आ गया है। जो पहले वाला डॉगी था ना, उसको तो बाघ ने खा लिया था। तो अभी पापा जी ना एक कुल्लू से एक नया डॉगी लेके आए, आपको वो भी दिखाना है अभी मुझे तो। और देखिए यहाँ पे सारा दूध उबल गया, भाभी के लिए मैं दूध बना रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा रखी है, ये सुट्टी नहीं आ रही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और आदमी को भी मैंने रेडी कर दिया है और ये ना सो गया है। तो बस का टाइम हो गया, तो फिर कोई इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा सोए हुए। तो बस निकलते हैं यार, बाहर बहुत तेज़ धूप है, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि बाहर निकले। आदमी उठ ही नहीं रहा है। चलो फिर, बैग नहीं कार्तिक। तो यहाँ पे सब बस का वेट कर रहे हैं। बस आ गई, बस आ गई, आदमी उठ गया। तो अभी हम बैठ गए बस में और आदमी उठ गया अभी। तो इस पेड़ में ना बहुत ज़्यादा खुमानियाँ लगी है, हम बोलते हैं इनको शाड़ी। तो मैं बैग लेके आई हूँ, तो फटाफट से निकालते हैं और चलते हैं घर वापिस। देखिए कितनी अच्छी है ये, अभी पक भी गई है, ज़्यादा अच्छी से नहीं पकी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे भी बहुत सारी खुमानियाँ गिरी है, तो मैं इनको उठाती हूँ, क्योंकि जो नीचे गिरी होती है ना ये अच्छे से पक चुकी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और देखिए कितनी फ्रेश है। इस सीजन की पहली खुमानी साले खाई होली शाड़े भाई। बिल्कुल फ्रेश खुमानी है। और जो इनके बीज है इसका हम तेल बनाएंगे। अभी ना मैं आई थी रूम और ये देखिए आदमी इतनी शरारत कर रहा है ना, यहाँ जो भी सामान है ना सारा निकाल रहा है। और आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। और मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात ये करनी है, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि बता दूँ बता दूँ बता दूँ, तो आज मैंने डिसाइड किया कि बता देती हूँ, क्योंकि अब वो काम शुरू होने वाले हैं। फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अगर नहीं बताऊँगी तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ बता ही देती हूँ। तो बात ये है कि जिनकी बात है वो आ रहे हैं आई थिंक, तो आइडिया समझ लेना आप। मिल गया पानी, हमारे यहाँ पे ना पानी की बहुत समस्या हो गई है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, सूखा इतना ज़्यादा पड़ गया है। देखिए
बड़ी मुश्किल से एक पानी की बोतल लेके आए ढूंढ के। हेलो एवरीवन, तो ये तीसरा दिन है इस ब्लॉग का, पता है ब्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। बारिश आती है तो लाइट चले जाती है, तो आज भी औरों के घर जाके फ़ोन चार्ज किया है। तो मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि ये ब्लॉग ना 3-4 दिन का हो गया, मतलब मैं माइक से आके मेरे को हफ्ता हो गया है, लेकिन ब्लॉग अब आ रहा है क्योंकि कंटिन्यू हो नहीं पा रहे ब्लॉग और लाइट भी थोड़ा साथ नहीं दे रही है और नेटवर्क की भी यहाँ पे बहुत समस्या होती है। तो अभी मैंने एडिट करते करते देखा कि मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ और ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, फिर अभी इस ब्लॉग को अपलोड करूँगी। तो गुड न्यूज़ ये है कि मतलब नंदन जी से रिलेटेड है, वो तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी लोगों को तो इंस्टाग्राम पे पता लग गया होगा क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी ऊपर है, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे बच्चे दादी जी खेल रहे हैं, देखिए आदमी पीछे से आ रहा है, सृष्टि दादी जी यहाँ पे। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी नंदन जी की शादी हो रही है, तो ये सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी डिसाइड हो गया तो मैं आपको बता नहीं पाई। तो यस यही बात है, तो नेक्स्ट मंथ उनकी शादी है, तो डेट कब है वो मुझे भी ज़्यादा पूरा पता नहीं है, पर भी डेट 28-29 से इतना हमें पता है, तो शायद 10-11 जुलाई को शादी होगी। यस, तो बस ये गुड न्यूज़ थी और खुशी भी है दुख भी है सब कुछ है। क्या बोले, बूजी की शादी है, सारे पजामे इकट्ठे कर रही है। तो बस अब शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चली हुई है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक